नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी अभी मुझे पता लगा है कि जो अपने टीचर हैं हरियाणा जीके के, हरियाणा जीके बाय बीके सर जो हैं, आदरणीय गुरुजी हैं वो, उनके वीडियोस को मैं भी देखता हूँ। मैं भी उनसे हरियाणा जीके काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ। उनसे पर्सनली मिलने का कभी सौभाग्य मुझे नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में कभी ना कभी उनसे मेरी मुलाकात होगी और ज़रूर उनके आशीर्वाद से के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अभी अभी मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने ऐसी कुछ अनाउंसमेंट करी है कि वो पढ़ाना छोड़ रहे हैं, हरियाणा जीके को वो नहीं पढ़ाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है कि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम से पहले उन्होंने 12 घंटे की एक कंटिन्यू मैराथन क्लास ली थी। 12 घंटे की तो बात ही दूर है दोस्तों। मैं खुद 3 या 4 घंटे की क्लास मैक्सिमम मैंने आज तक ली है, लंबी क्लास। उसमें मेरी हालत जो है वो मैं जानता हूँ क्या हालत होती है इतनी देर लगातार। मैंने तो फिर भी बैठ के पढ़ाया था अपने डेस्क के ऊपर, लेकिन उन्होंने तो खड़े होके बोर्ड के ऊपर पढ़ाना, इतनी देर कंटिन्यू बोलना और कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट पब्लिक को देना कि उनके एग्ज़ाम में उनकी हेल्प हो सके। एज ए टीचर, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट के हैं, मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, कभी कभी मैं इंग्लिश भी पढ़ा लेता हूँ, थोड़ी बहुत मैं साइंस भी पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मैटर वो नहीं करता। आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, अगर आप अपना सब्जेक्ट अपनी शिद्दत से, इतने मन से, लगाव से बच्चों के लिए आप पढ़ाते हैं और वो सब्जेक्ट आपका एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बुरा लगना स्वाभाविक है, बुरा सबको लगता है। कल को अगर मैं मेहनत करता हूँ, अगर मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मैं कंप्यूटर के लिए कोई मैराथन क्लास करता हूँ 5 घंटे 10 घंटे की, या फिर मैं कंटिन्यू जैसे कंटेंट दे रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम के अंदर अगर कंप्यूटर आया ही नहीं तो फिर वो मेहनत व्यर्थ चली जाती है। तो हरियाणा जीके भाई बीके सर गुरुजी, आपको मैं अपने पर्सनल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो प्रवीण सर हैं उड़ान वाले, उन्होंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि सभी आपको बोले, तो इसलिए मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप जैसे लोग जो अपने प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, हरियाणवी बोली में स्टूडेंट्स को इनक्रेज करते हैं, पढ़ाते हैं और हरियाणवी गीत वगैरह आप गाते हैं, आप कॉमेडी करते हैं, फनी तरीके से आप जो टीच करते हैं, वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, काफ़ी हरियाणा जीके मैंने आपसे सीखी है, कुछ थोड़ी बहुत जो मुझे आती है वो मैंने आपसे ही सीखी है, और प्रदीप सर से भी मैं पढ़ता हूँ, दीवान सर से भी मैं पढ़ता हूँ, मैं पर्सनली खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ता रहता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की तो वो मैं डिलीवर भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने साथियों की हेल्प करने की। बट आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर, आप ऐसा डिसीजन ना लें जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स का नुकसान होगा। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आपसे पढ़ना पसंद करते हैं लाइव क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप ये डिसीजन थोड़ा सा आप अपना बैक ले लें कि आप नहीं पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये आपसे रिक्वेस्ट भी है, एज ए स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, और एज ए मेंटर भी मैं आप चाहता हूं कि आप कंटिन्यू जो है वो पढ़ाना जारी रखें। ये भी सुनने में आ रहा है कि अब उनकी इस बात के ऊपर भी कुछ लोग जो हैं वो उनको ट्रोल कर रहे हैं, और एक इंसान है या फिर कोचिंग सेंटर है, उनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वो चाहते हैं कि हरियाणा जीके आए ही ना पेपर में। वो कह रहे हैं कि हमारा ही पढ़ाया हुआ आता है पेपर में, हम गारंटी देते हैं। तो देखो, ये सब हैं फेक बातें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास अगर किसी स्टूडेंट का फ़ोन आता है, सर हम क्या पढ़ें, हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी, एग्ज़ाम में क्या आएगा, मैं कभी उनको कोई भी कुछ भी सजेशन नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली नहीं पता है हरियाणा के एग्ज़ाम्स के अंदर आएगा क्या। प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ के जाते हैं, कुछ और ही आया मिलता है। इंग्लिश पढ़ के जाते हैं, इंग्लिश की जगह पे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। 10th लेवल के ऊपर आपने फॉर्म फिल करवाए हैं, 12th लेवल के ऊपर आपने फॉर्म फिल करवाए हैं, आप क्वेश्चंस MSc BSc लेवल के दे रहे हैं, जो कि मतलब बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हरियाणा स्टेट MP का पेपर देख लें आप, MP की जीके आती है, यूपी में यूपी जीके पूछी जाती है, राजस्थान में तो मतलब ही नहीं, मतलब राजस्थान जीके के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अपने पेपर के ऊपर फोकस करते हैं, राजस्थान जीके पूछते हैं ताकि उनके स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, रेदर देन की अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, हरियाणा सरकार अगर ये चाहती है, HSSC अगर ये चाहता है कि हम अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमसे हमारा हक छीन रहे हैं।
25 क्वेश्चंस का मैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हरियाणा का स्टूडेंट हरियाणा की जीके को ज़्यादा अच्छे से रीड कर पाता है रेदर देन कि अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं। अब हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल में आपने हरियाणा जीके ना पूछ के हरियाणा के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसमें आप अगर ये बात कह रहे हैं कि हमने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि हम हरियाणा जीके नहीं देंगे, तो वो भी गलत है, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो आपने ये बोला था कि आप, मैं कंप्यूटर की ही बात रहता हूँ, उन्होंने बोला था कि हम कंप्यूटर उस लेवल का पूछेंगे कि स्टूडेंट एक प्लस टू पास हो उसके लेवल का हम कंप्यूटर पूछेंगे, लेकिन आपने क्रिप्टोग्राफी जैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, आपने कंप्यूटर सिक्योरिटी जैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, आपने एमएस ऑफिस 2003 तक के क्वेश्चंस आपने पूछे, मतलब कोई आपका स्तर नहीं है, कोई आपका लेवल नहीं है क्वेश्चंस का। तो ये भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन में आपने ये लिखा हुआ था कि जीके आएगी, लेकिन जीके में आपने ये नहीं बताया कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से भी हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। इतना बुरा लगता है कि स्टूडेंट्स फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हम क्या पढ़ें, हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, करें तो करें क्या, हम करें क्या। इतना बुरा हाल हो चुका है हरियाणा के अंदर, मतलब फिलहाल के टाइम पे पूरे भारत में अगर कोई स्टेट कंडक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में अगर कुछ कोई स्टेट पीछे है, और जो बिल्कुल ही, मतलब मैं तो बोलूँगा कि घटिया से घटिया पैटर्न जो है, और जो चीज़ें हैं, और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, एग्ज़ाम बनाने वाले जो लोग हैं, वो उनका कोई भी, उनका आई थिंक मेंटल लेवल जो है उनका हिल चुका है, उनको नहीं पता कि उनको क्या पूछना है। हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर आप भर्ती कर रहे हैं, उससे आप क्रिप्टोग्राफी या प्राइवेट की, पब्लिक की पूछ के आप उससे क्या नॉलेज लेना चाहते हैं, वो आपको क्या, वो उसको उसको काम क्या आएगी वो चीज़, जब वो सिपाही बन जाएगा तो वो कंप्यूटर सिक्योरिटी में वो क्या काम करेगा, प्रोग्रामिंग में वो क्या काम करेगा। आप पूछ रहे हैं चार ऑप्शंस में से कंप्यूटर इंटरनेट की लैंग्वेज कौन सी नहीं है, एक प्लस टू पास बंदे को क्या पता। आप पहली बात तो प्राइवेट स्कूल्स में लगा लीजिए, सरकारी स्कूल्स में लगा लीजिए, दोनों स्कूल की बताता हूँ। मैं सरकारी स्कूल में भी टीच कर चुका हूँ एज ए गेस्ट टीचर, प्राइवेट स्कूल्स में मैं अभी भी टीच कर रहा हूँ। वहाँ पे आप जाके एक बार देखिए कि कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्या हालत कर दी गई है, कंप्यूटर टीचर्स की क्या हालत कर दी गई है। आप सरकार, आप खुद बता दोगे, ये जो वीडियो देख रहे हैं, कितने दिन, कितने सालों से कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसीज जो हैं वो नहीं आई। दुनिया जहान के स्टूडेंट्स जो हैं कंप्यूटर साइंस से, मैं भी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हमें यही नहीं पता कि हम कहाँ, मतलब अपनी स्टेट में हम नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, क्या मिलेगी। जब आपने स्कूल लेवल पे इतना गंदा माहौल वहाँ पे बनाया हुआ है कि आपने 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में वहाँ पे बंदे हायर किए हुए हैं जिनको मतलब ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, ना उनको पढ़ाना है, बच्चों को मोटिवेट ही नहीं करना पढ़ाने के लिए, फिर आप चाहते हैं कि आपके गवर्नमेंट कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिनका यही नहीं पता कि बच्चे उनको पढ़ें कहाँ से। या तो एक स्तर डिसाइड हो, एक पैटर्न डिसाइड हो, एक सिलेबस डिफाइन हो कि हम इंग्लिश में ये पोर्शन पूछने वाले हैं, हम हिंदी में ये पोर्शन पूछने वाले हैं, हरियाणा जीके में हम ये पूछने वाले हैं, इतना सब्जेक्ट आएगा, इतने क्वेश्चंस आएंगे, तो एक स्टूडेंट जो होता है वो अपनी प्रॉपर तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकता है। अगर एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी होगा कि साल में इस टाइम पे ये एग्जाम होगा, इतना टाइम मिलेगा, तो स्टूडेंट अपना उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेगा ताकि बेटर रिजल्ट आउटपुट उसको मिले। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत दोस्तों हो चुकी है। अब इस जो ख़राब हालत जो हो चुकी है, इसमें सबसे पहले इस हालत में सुधार लाने के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है हम खुद स्टूडेंट्स। हम सभी स्टूडेंट्स को एक साथ होना होगा, यूनिटी दिखानी होगी, अपनी आवाज़ उठानी होगी। जो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट कर रहा है वही सही है, हम सब गलत हैं, एक तरफ पूरा हरियाणा है जो कह रहा है कि हरियाणा जीके का ना आने आना इज रॉन्ग थिंग, मैं भी अग्री करता हूँ, हरियाणा जीके का ना पूछना हरियाणा स्टेट के एग्ज़ाम में सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये बेइज्जती की बात है कि आप हरियाणा जीके नहीं पूछ रहे हैं। दूसरी बात कि भाई वो एक कुछ कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, नोटिफिकेशन में दे रखा था, तो नोटिफिकेशन में तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एग्ज़ाम में नहीं हुई, ठीक है। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करो, ऐसे लोगों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें खुद अपनी आवाज़ उठानी होगी। यूट्यूब के ऊपर जितने भी टीचर्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में जितने भी टीचर्स हैं, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, हो सकता है मेरी बात ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर इस वीडियो को शेयर करना अपने लेवल पे, अपने टीचर्स के लेवल पे, और उनको मोटिवेट करना, और खुद भी मोटिवेट हो कि आप लोगों को अपनी आवाज़ उठानी होगी। सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, फिज़िकली कहीं पर जाना है, कुछ भी करना है,
कृष्ण मोहन सर हैं जो हमेशा आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके साथ बातचीत करके जो भी मीटिंग वगैरह जो भी कुछ होगा मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। मेरी जिस भी प्रकार से जहाँ भी मेरी प्रेजेंस की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आप लोगों को अवेलेबल मिलूँगा ही मिलूँगा, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे फिर हमें प्रोटेस्ट करना है या फिर हमें संवैधानिक तरीके से अपनी अगर बात कहीं पर रखनी है तो उसमें मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक बार फिर से हरियाणा जीके वाई बीके सर स्पेशल आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ आप पढ़ाना ना छोड़ें क्योंकि आपकी वीडियोस को देख के हम एजुकेशन के साथ साथ हमें इंटरटेनमेंट भी मिलता है और हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपकी वीडियो देखते हैं, हमें सीखने को भी मिलता है और हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। इसलिए प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाना ना छोड़ें, कंटिन्यू पढ़ाना जारी रखें। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की उम्मीदें आपके साथ हैं, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट कहीं ना कहीं आप सीनियर हैं, आप हरियाणवी संस्कृति को बहुत आगे लेके आना चाहते हैं, इसमें हम आपके साथ हैं, आपका आपके सपोर्ट में हैं, आपको जिस भी तरीके से हमारी हेल्प चाहिए हम करने को तैयार हैं, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अपनी आवाज़ को उठाइए, यूनाइट हो जाइए, अदरवाइज़ हर बार हर पेपर में ऐसा ही होगा, दो चार दिन के लिए बात चलेगी और फिर बात दब जाएगी। इस तरीके से ना आप कामयाब हो सकते हैं, ना आपको नौकरी मिलेगी और ऐसे ही रह जाएगा मामला, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।